Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm your friend mentor Smriti, and here in this session we are going to discuss further topics from this chapter, that is chapter number 3 from class 7th I think, and this chapter is fiber to fabric. तो इस chapter में हम fiber to fabric पढ़ने वाले थे और हमने इस chapter के बहुत से topics cover कर लिए थे हमारे last session में. एंड आज के इस सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा सिल्क. एंड चलो अभी इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं इस सेशन के अंदर, एंड देन नेक्स्ट सेशन वुड बी फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, कि सिल्क हमें कुकुन से कैसे मिलता है ये सब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपका ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो फ्रेंड्स हेयर आई एम रेफरिंग द इंग्लिश मीडियम बुक ऑफ साइंस NCERT, एंड मैं यहाँ पर आपको साथ ही साथ इसको ट्रांसलेट करके एक अच्छी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ट्रांसलेट करते हुए एक समझते हुए चलेंगे. तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है मुझे ये वीडियोस और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है. आई एम श्योर कि आपको इसके बाद जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ या समझा रही हूँ या चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं उसके बाद आपको दोबारा से बुक NCERT उठाकर और ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर द सेशन, दैट इज़ सिल्क. सो सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. हमने पढ़े थे फाइबर्स के टाइप के कौन कौन से आपके एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स होते हैं, राइट. तो जो आपका सिल्क होता है ये आपका एनिमल से मिलने वाला एक फाइबर होता है, एक रेशा होता है जो कि हमें जंतुओं से मिलता है. सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स. सिल्क फाइबर्स कहाँ से होते हैं, सिल्क वर्म जो है वो ही स्पिन करते हैं हमारे सिल्क के फाइबर्स को. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द सेरिकल्चर. ऐसी प्रोसेस जिसमें हम रियर करते हैं यानी कि सिल्क बनता है जिसमें, ऐसे प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क बाय सो मैनी प्रोसेसेस या प्रोसेसेस इन दिस कॉन्सेप्ट आर नोन एज अ सेरिकल्चर. तो यहाँ पर जो भी आप रियरिंग जो प्रोसेस होती है सिल्क वर्म से सिल्क बनाने की, उसी को हम सेरिकल्चर बोलते हैं. तो सेरिकल्चर आपको होप है कि आपको समझ आ गया होगा सेरिकल्चर होता है क्या है. ये वो कॉन्सेप्ट, ये वो पद्धति होती है जिसमें सिल्क वर्म्स की हेल्प से सिल्क को बनाया जाता है. योर मदर आंट ग्रांड मदर the kind of silk sarees they have, list the kinds of silk. One second. Find out from, आपने पता लगाना है किससे, अपनी मदर की हेल्प से, आंटी की हेल्प से, कोई आंटी है आपकी या फिर ग्रैंड मदर की हेल्प से, the kind of silk sarees they have, कि वो कितने प्रकार की सिल्क साड़ियाँ यूज़ करती हैं या उनके पास कितनी साड़ियाँ हैं जो अलग अलग प्रकार के सिल्क की हैं. List the kind of silk, आपने उन सिल्क के काइंड को, उनके तरह प्रकार को लिखना है. ठीक है, लिस्ट बनानी है. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि हमें सिल्क मिलता कहाँ से, कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होती है, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो सिल्क मोथ होता है यानी कि सिल्क को बनाने वाला जो कीड़ा होता है उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, कैसे वो बनता है या कैसे वो प्रोसेस करता है और कैसे वो सिल्क को बनाता है. सो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ इज द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेशन. ठीक है, यहाँ पर हम लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे सिल्क मोथ की. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग. तो इसमें से जो फीमेल होती है ना सिल्क, फीमेल जो होती है उसमें अगर सिल्क के कीड़े की बात की जाए तो वो आपका सिल्क मोम का जो फीमेल होता है वो आपका सिल्क मोथ कहा जाता है, वो आपका एग देता है. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैपिलर्स, सॉरी कैटरपिलर्स एंड सिल्क वर्म्स. और उसके बाद इसकी हैचिंग के बाद ये पहले सिल्क मोथ होंगे, ठीक है, और वो अपने एग देंगे तो फिर उस एग को हैचिंग की जाएगी उसको. ठीक है, हैचिंग करेंगे जब उसका लार्वा की तो वो कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म वहाँ से बन जाते हैं. तो पहले क्या है, पहले एग है, ये सिल्क मोथ जो है फीमेल होती हैं वो एग्स देती हैं. एग्स को हैच करने के बाद ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैटरपिलर्स के अंदर और सिल्क वर्म्स के अंदर, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर्स इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. और ये उसके बाद ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं साइज में, और व्हेन द कैटरपिलर्स, और जब जब ये कैटरपिलर्स रेडी हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में एंट्री कर पाए तो उसको उस टाइम पर प्यूपा बोलते हैं. इट
फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इट्सेल्फ। ये पीपा क्या करता है, पहले ये एक नेट बना लेता है, जालनुमा आकृति बना लेता है, अपनी जाल सा बना लेता है ताकि ये इसमें रह सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ ए फिगर ऑफ एट। उसके बाद ये बार बार अपने आप को ऐसे ऐसे घुमाता रहता है एट की फिगर में, ठीक है, एट की आकृति में इस तरह से खुद को घुमाता रहता है उसमें। और उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ हेड, और जब ये इसकी हेड की मूवमेंट इस तरह से होती है एट की डिज़ाइन में, दैन द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ, तो ये जो कैटरपिलर यहाँ पे घूम रहा होगा ना, यही क्या करेगा, एक फाइबर को सीक्रेट कर रहा होगा, एक रेशा बना रहा होगा वहाँ पर, और वही जो रेशा होता है वो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, जब वो एयर की कांटेक्ट में आता है। अब जब ये एट एट की आकृति में जब ये कैटरपिलर घूम रहा था ना, इसका माउथ घूम रहा था ना, तो उसका माउथ उस टाइम पर कुछ फाइबर निकाल रहा होता है और वो प्रोटीन का बना होता है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये ऐसा प्रोटीन होता है जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में आता है या एयर के एक्सपोज किया जाता है इसको एयर में, एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, तो ये हार्डन हो जाता है, तो ये कठोर हो जाता है और सिल्क का फाइबर बना लेता है। तो इस प्रकार से हमारा सिल्क का रेशा बनता है, सिल्क फाइबर बनता है। सो द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। इस जब वो आपका पूरी तरह से ऐसे एट की आकृति में घूमेगा और उसके माउथ से प्रोटीन निकलता रहेगा और वो हार्डन होकर क्या बना लेगा, सिल्क फाइबर बना लेगा। तो जब ये ऐसे घूम रहा होगा उसी टाइम पर वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेगा, ठीक है, वो पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेगा और उस टाइम पर जो है ये इसमें जो होगा ना वो कैटरपिलर वो प्यूपा बन चुका होगा। दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून। और जो ये कवरिंग होती है ना, ये जो प्रोटीन, ये जो रेशे की जो कवरिंग है, सिल्क फाइबर की जो कवरिंग है, इसी को आप उस टाइम पे कोकून बोलते हैं। ये यानी कि बाहरी जो कवरिंग है ना, ये आपकी कोकून कही जाएगी। इसके अंदर जो आपका कैटरपिलर था अब वो बड़ा हो गया है और वो प्यूपा बन गया है। जब वो उसको कवर कर लेगा, कम्प्लीटली अपने आप को ढक लेगा अच्छे से, तो वो प्यूपा की फॉर्म में आ जाएगा। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इंटू मोथ कंटिन्यूज इन साइड द कोकून। और जब तक वो आप प्यूपा बन चुका है, वो प्यूपा जब तक आपका मोथ नहीं बन लेता, ठीक है, सिल्क मोथ नहीं बन जाता, तब तक उसका उसकी जो वृद्धि है ना उसके अंदर ही रहेगी, वो उसके अंदर ही रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और सिल्क फाइबर का यूज़ सिल्क क्लॉथ को बनाने में किया जाता है। अब ये जो प्रोटीन का हार्डन सब्सटेंस यहाँ पे मिला है ना एट की आकृति में, ये जो कोकून बन गया है, इसी से अब क्या बनाया जाता है, सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो एक सिल्क का यार्न होता है ना, जो सिल्क के रेशों से बना हुआ यार्न होता है, एक धागा होता है, जैसे आपका ऊन होती है ना, ठीक है, कॉटन की जो ऊन होती है, ऐसे ही अगर आप सिल्क के धागे की बात करो, यार्न की बात करो, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जैसा कि आपका एक स्टील का तार होता है। स्टील का तार भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर स्टील का तार लेकर देखोगे तो इतना मजबूत होता है। द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेंड, क्योंकि हमने बात की ना कि वो एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो जो प्रोटीन है वो हार्ड हो जाता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। और जो हमारा सिल्क यार्न मिलता है, जो थ्रेड मिलता है, वो हमें कोकून से ही मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ के जो कोकून है, उसके जो बाहरी आवरण जो उसने बनाया है, कवरिंग बनाई है जो उसने, आउटर कवरिंग, वहाँ से हमें सिल्क यार्न मिलता है। देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इन इज डिफरेंट इन टेक्सचर। और यहाँ पर क्या होता है, देर इज़ ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार के सिल्क मोथ होते हैं, विच लुक लाइक डिफरेंट, जो कि अलग अलग दिखाई देते हैं, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं ऐसे सिल्क मोथ। एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर। और जो सिल्क यार्न वो बनाते हैं, जो सिल्क का धागा वो बनाते हैं, वो टेक्सचर में काफ़ी अलग होता है। अगर उसको छू कर देखोगे तो उसका टेक्सचर अलग होता है, इसमें कोर्स, स्मूथ, शाइनी, ये आपके टाइप होते हैं सिल्क के। दस तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, तो ये आपके तीन प्रकार के हैं, तसार जो कोर्स होगा, मूगा जो स्मूथ होगा, और कोसा जो आपका शाइनी होगा। आर ऑब्टेंड फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोस। तो अब हमें पता लग गया कि ये कोकून के स्पन से स्पिनिंग होने के बाद हमें मिलते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के मोथ से मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सिल्क मोथ ही इनको अलग अलग प्रकार का सिल्क बनाते हैं।
द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो हमारे आसपास में जनरली देखने को मिल जाता है वो आपका मलबेरी सिल्क मोथ होता है, जो आपका सहतूत होता है ना मलबेरी उसको बोलते हैं, तो उस पर पाया जाना जो शीशे इसका सिल्क का जो कीड़ा होता है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, तो जो यहाँ से आपको जो सिल्क फाइबर मिलता है ना इस कुकून से, जो आपको मलबेरी सिल्क मोथ की कुकून से जो आपको सिल्क फाइबर मिलेगा ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्ट्रियस चमकीला होता है एंड इलास्टिक काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और इसके अलग अलग प्रकार के कलर्स में आप इसको डाई कर सकते हो, अलग अलग रंग इनको दे सकते हो। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, जो सेरीकल्चर है या फिर जो हम कहें कल्चर ऑफ सिल्क वर्म की सिल्क का कपड़ा बनाना सिल्क वर्म का, ये जो आपका कल्चर है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यानी कि इंडिया में भारत में बहुत पुराने टाइम से ही सेरीकल्चर करते आ रहे हैं लोग, ठीक है। और इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, और इंडिया जो एक कमर्शियल स्केल पर भी बहुत सारे सिल्क जो है बना रहा है, ठीक है, बनाता आ रहा है स्टार्टिंग से ही, बहुत पुराने टाइम से जो है इंडिया में सिल्क की एक तरह से सेरीकल्चर सिल्क की खेती की जाती है, यानी कि सिल्क मोथ से सिल्क बनाया जाता है, उसको कपड़ों में यूज़ किया जाता है और कमर्शियल यूज़ भी इसके काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं, यानी कि देश में आयात निर्यात भी होता रहता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इसका चल रहा होता है। एक्टिविटी 3.5 इज सेइंग दैट कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स, एंड आपने क्या करना है अलग अलग प्रकार के सिल्क क्लॉथ को कलेक्ट करना है एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक, आपने एक स्क्रैप बुक लेनी है और उनमें उसको पेस्ट कर लेना है, चिपका लेना है। यू कैन फाइंड दैम इन ए टेलर्स शॉप, आप अगर आप कहो कि सिल्क क्लॉथ हम कहाँ से मिलेंगे तो आप टेलर की शॉप से ले सकते हो। अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस, जहाँ पर उनके कपड़े होते हैं ना वेस्ट कपड़े होते हैं उनके वो ढेर लगे होते हैं, तो वहाँ से आप सिल्क को इकट्ठा कर सकते हो। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आप यहाँ पे अपनी माता जी की हेल्प ले सकते हो, आंटी की हेल्प ले सकते हो और टीचर, एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क, और या फिर अपने अध्यापक की भी हेल्प ले सकते हो और पता लगा सकते हो या पहचान सकते हो कि कौन सा सिल्क कौन सा है। अब हमने यहाँ पे इससे पहले हमने 3 टाइप्स के सिल्क पढ़े थे, राइट, तो आपने क्या करना है टेलर की शॉप पर जाना है, अपने टीचर अपने फ्रेंड या फिर अपनी मम्मी के हेल्प से या फिर टेलर की हेल्प भी ले सकते हो, तो आप उस सिल्क का पता लगाओगे, सच एज मलबेरी सिल्क की, क्या वो मलबेरी सिल्क है या फिर दसार सिल्क है या फिर एरी सिल्क है, तो अलग अलग टाइप है ना इसके, तो मुगा सिल्क का, तो आपने उसको लिस्ट बनाना है कि आपने वहाँ से कौन कौन से सिल्क के कपड़े देखे उनकी लिस्ट बनानी है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क, अब जब आपको पता लग जाएगा एक से ज़्यादा सिल्क के कपड़े वहाँ पे मिलेंगे तो आप उनको छू करके देखोगे, उनका टेक्सचर चेक करोगे, उनमें डिफरेंट मिलेगा, आप उनको कंपैरिजन करोगे विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस, तो आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस से अगर इनका कंपैरिजन किया जाता है जो नेचुरली जो आपको सिल्क मिलता है ना सिल्क फाइबर मिलता है उनका आप आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस से कंपैरिजन करके देखोगे विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स, तो किस में सिंथेटिक फाइबर्स होंगे आपके आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस में आपके सिंथेटिक फाइबर्स होंगे। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोस हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, आपने कोशिश करनी है कि आप अलग अलग पिक्चर्स को इकट्ठा करो, अलग अलग प्रकार के मोस की सिल्क मोस की पिक्चर्स को इकट्ठा करो, उनके कैटरपिलर्स की को इकट्ठा करो, कैटरपिलर्स की पिक्चर्स लो जो कि अलग अलग प्रकार के आपको सिल्क देते हैं, तो ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क, आपने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क लेना है, सिंथेटिक सिल्क वो होते हैं जो कि लैबोरेटरी की हेल्प से बनाए जाते हैं या फिर इनको कह सकते हैं हम कि मैन मेड सिल्क जो होते हैं वही आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड, आपने सिंथेटिक थ्रेड लेना है सिल्क का और आपने एक प्योर सिल्क का थ्रेड लेना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, आपने दोनों को ही ध्यानपूर्वक जलाना है। Did you notice any difference in the smell while burning? तो क्या आप जब उनको जला रहे होते हो तो क्या उसके स्मेल में कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या कोई फ़र्क मिलेगा आपको देखने को? बिल्कुल मिलेगा। Now burn a woolen fiber carefully, अब आपने क्या करना है एक woolen fiber लेना है और उसको भी इसी तरह से केयरफुल ध्यानपूर्वक उसको आपने जलाना है, बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ ए प्योर सिल्क, तो अब ये जो आपने कॉटन चलाई है क्या ये आर्टिफिशियल सिल्क के जलने से जो स्मेल वहाँ से बनी है उसकी वजह से फ्रेग्रेंस कहो या स्मेल कहो उसकी वजह से बनी है
या फिर आपका जो आपकी नेचुरल फाइबर था उसको जलने से जो बने, नेचुरल सिल्क के जलने से बने, मतलब आपको कंपैरिजन करके देखना है कि जो कॉटन को जलाने से जो फ्रेग्रेंस या फिर फ्लेम उसकी बन रही है तो क्या वो उसी तरह से होगी जैसे कि आप एक नेचुरल सिल्क की करते हो जलाने से या फिर एक आर्टिफिशियल सिल्क को जलाने से आती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो आप क्या इसका रीज़न बता सकते हो कि अगर वो किसी के साथ मैच हो रही है तो वो किस वजह से मैच हो रही है। टू रिमेंबर वैन द कुकून स्टेज इज रिज्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ये याद रखना या फिर इसको याद रखने के लिए कि जो कुकून होती है, कुकून की जो स्टेज है वो जो आपकी हिस्ट्री में सिल्क मोथ की स्टेज तक पहुँच रही होती है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपने इन एक्टिविटीज़ को उस टाइम पर फॉलो करके देखना है। एक्टिविटी 3.7 फोटो कॉपी, फिगर 3.9 जो आपकी फिगर 3.9 इसमें दी गई है, आउट पिक्चर्स ऑफ कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस, आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई थी, ठीक है, ये देखो इसमें पिक्चर्स दी हुई थी आपको, ये आपका 3.9 है, ठीक है, इसमें आपको अलग अलग पिक्चर्स दी हुई, यहाँ पे मेल की पिक्चर दी हुई है सिल्क मोथ की, यहाँ पे फीमेल की, एडल्ट सिल्क मोथ्स होते हैं ये। एग ऑन मलबेरी लीव्स, ये मलबेरी जो जनरल हमने बात की थी कि कॉमन है मलबेरी सिल्क मोथ, तो ये मलबेरी जो शहतूत का पौधा होता है उनकी पत्तियों पर ये अंडे देते हैं और वो वहाँ पे सिल्क वॉर्म बन जाता है, कुकून में जाता है, और कुकून में क्या है, कुकून विद डेवलपिंग मोथ, उसके अंदर जो है पहले पीपा बनता है कैटरपिलर का और फिर जा कर के वो एक सिल्क मोथ बन जाता है। तो ये इसकी लाइफ हिस्ट्री थी। एंड आपने क्या करना है, कुछ पिक्चर्स को कट करना है, इनको स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, यानी कि सिल्क मोथ की जो लाइफ हिस्ट्री है उस टाइम पर आपने जो लाइफ हिस्ट्री में जो स्टेजेस आती हैं उनमें आपको उनकी पिक्चर्स लेनी है। एंड पेस्ट दैम ऑन पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, आपने कार्डबोर्ड के ऊपर उनके पीसेस को पेस्ट कर लेना है और चार्ट पेपर या फिर चार्ट के पेपर की हेल्प से भी कर सकते हो, चार्ट पेपर भी कर सकते हो। जंबल दैम, आपने उनको इकट्ठा कर लेना एक तरह से। और नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंसेस इन साइक्लिक फॉर्म, आपने साइक्लिक फॉर्म में उनको करेक्ट अरेंजमेंट के साथ लेना, यानी कि फर्स्ट स्टेज अगर यहाँ आया है तो सेकेंड यहाँ होगी, थर्ड यहाँ होगी, इस तरह से आपने अरेंज कर लेना है उनके स्टेजेस को, ठीक है, जितनी भी स्टेजेस होंगे उनको इस तरह से अरेंज कर लेना है। Whoever does it fastest wins, तो आप देखना कि आप में से कौन सबसे जल्दी इसको कर पाएगा, कौन जीतता है। You may also describe the life history of in your own words, तो आप उनकी लाइफ हिस्ट्री को अपने शब्दों में भी बता सकते हो, जैसे अभी बुकिश लैंग्वेज में बताया हुआ है स्टेजेस को, अलग अलग नाम दिए गए हैं, प्यूपा है, कैटरपिलर है, सिल्क मोथ बन जाता है, तो ये जो है ना आप अपनी लैंग्वेज में भी उनको वर्ड्स से उनको एक्सप्रेस कर सकते हो कि कौन से स्टेज क्या है, किस स्टेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, आपने उसको अपनी स्क्रैप बुक में लिख लेना है। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंट, अब यहाँ पे दिखा ये जो टॉपिक वैसे एक्स्ट्रा है लेकिन पढ़ लेते हैं। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, तो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स जो हैं काम कर रही होती हैं, ठीक है, कर रही हैं या कर रही होती हैं अलग अलग प्रकार के और इंडस्ट्रीज में। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म होते हैं, ये जो काम कर रही होती है ना वो क्या होता है, सिल्क वॉर्म को रियर करने वाला काम होता है। रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून, वहाँ पे क्या कहता जाता है, कुकून से रील किया जाता है, उस सिल्क को लपेटा जाता है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इंटू फैब्रिक्स, और उस कच्चे सिल्क को फैब्रिक की फॉर्म में लाने के लिए उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। बाई देयर एंटरप्राइज, उनके एंटरप्राइज से दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमी, इस प्रकार से जो वुमेन है और जो ये सिल्क है आपका, ये आपकी नेशन की इकोनॉमी में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, तो जो चाइना है यहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कहा गया है कि सिल्क प्रोडक्शन की टर्म्स में अगर देखा जाए तो चाइना लीड्स कर रहा होता है पूरे संसार को, उसमें संसार में सबसे ज़्यादा सिल्क जो चाइना में बनाया जाता है। इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिया भी उनमें काउंट होता है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिया भी उन देशों में आता है जो सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम कुकून टू सिल्क, अब बात आती है कि कुकून से सिल्क तो बनता है लेकिन कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है, कुकून से सिल्क फाइबर कैसे निकाला जाता है, कैसे अलग किया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स, क्या है कि कह रहा है कि सिल्क को पाने के लिए हमें मोथ्स को रियर कराना होता है, कुकून बनता है एंड कुकून को उनको कलेक्ट कर लेना होता है
ताकि फिर हमें सिल्क थ्रेड वहाँ से मिल पाए। हमने पढ़ा था ना कि एट की शेप में बना लेता है और ये कोकून होता है, इसी को ये जो प्रोटीन का बना होता है वो हार्ड हो जाता है, इसीलिए ये एक स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है और यहीं से हमें सिल्क थ्रेड यहाँ से मिलता है। रियरिंग सिल्क वर्म्स, अब अगर आप सिल्क वर्म को रियर करा रहे हो, पालन कर रहे हो सिल्क वर्म का, तो वो कैसे करोगे? ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। एक जो फीमेल मादा जो सिल्क मोथ होती है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, एक मादा सिल्क कीड़ा जो है सैकड़ों जो है एग्स देता है, अंडे देता है एट ए टाइम, एक टाइम पर सैकड़ों अंडे देता है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। तो ये जो एग्स होते हैं, ये जो अंडे होते हैं, इनको स्टोर कर लिया जाता है काफ़ी ध्यानपूर्वक एक स्ट्रिप्स के ऊपर, यानी कि कपड़े के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर उनको स्टोर कर लिया जाता है और फिर सिल्क वर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। द फार्मर्स, और जो फार्मर होते हैं वो अब आगे क्या करते हैं, द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उसको हाइजीनिक कंडीशन के अंदर रखते हैं एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और एक सूटेबल टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के ऊपर, एक तापमान, एक अच्छे तापमान और एक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उसको रखते हैं। द एग्स आर वॉर्म्ड टू ए सूटेबल टेम्परेचर। जो एग्स होते हैं वो इस सूटेबल टेम्परेचर वॉर्म पर वॉर्म हो जाते हैं, यानी कि वो हैचिंग वाले जो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट देनी होती है, तो वो उसको इतने टेम्परेचर रखते हैं कि उसके हैचिंग हो जाती है, ठीक है, हैचिंग टाइप हो जाती है, उसको वॉर्म हो जाते हैं वो। एंड सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच, ताकि उसका जो लार्वा है वो आपका हैच हो सके उस टाइम पर फ्रॉम एग्स, एग्स से वो लार्वा जो है आपका हैच हो सके अच्छे से। दिस इज डन वैन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये तब किया जाता है ये प्रोसेस जब आपका जो मलबरी का ट्रीज होता है, जो शहतूत का पौधा होता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। द लार्वा, जो लार्वा होता है कॉल्ड कैटरपिलर, जिसको हम कैटरपिलर्स भी कहते हैं, और सिल्कवॉर्म, जिसको हम सिल्कवॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो लार्वा होता है यही तो हैच होने के बाद कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर से नेक्स्ट फिर आपकी सिल्कवॉर्म बन जाती है। कैट डे एंड नाइट एंड ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मियसली इन साइज। तो ये जो कैटरपिलर है या जो सिल्क वर्म है, ये इस शहतूत के पत्ते को दिन रात खाता रहता है और फिर वो क्या बना लेता है, साइज में बड़ा हो जाता है, जिससे सिल्क वर्म बन जाता है। तो ये देखो आपको फिगर में दिखाया गया है, ये फीमेल सिल्क वर्म है मोथ विद एग्स, जिसके एग्स बड़े हुए हैं, ये बहुत सारे सैकड़ों, मतलब सैकड़ों एग्स ये एक बार में देती हैं। उसके बाद आपको बताया गया है मलबेरी की ट्रीज होती हैं, जो वहाँ पर इन एग्स को रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, लार्वा और जो कैटरपिलर होते हैं सिल्क वर्म बनाते हैं फीडिंग ऑन मलबेरी लीव्स। वो जो कैटरपिलर अब जो इनमें से निकलेंगे ना, इन अंडों से, इन एग्स से जो निकलेंगे, वो शहतूत के पत्तों को खाते हैं, लीफ ऑफ मलबेरी को खाते हैं, और उसके बाद फिर वो एट की शेप में, जैसे जैसे वो खाते रहेंगे उसके बाद वो घूमते रहेंगे एट की शेप में, और वो प्रोटीन की जो है ना ये फाइबर बनाएंगे को छोड़ते रहेंगे, प्रोटीन के फाइबर को छोड़ते रहेंगे एट की शेप में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वो आपका ये कुकून बन जाएगा, ठीक है, ये कुकून की फॉर्म में आ जाएगा, और जो कैटरपिलर अंदर था वो प्यूपा बन जाएगा, और फिर वो जैसे जैसे ही ग्रो करेगा तो उसके बाद वो आपका सिल्क वर्म बन जाएगा। ये थी इसकी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ सिल्क, अगर बात की जाए कि डिस्कवरी कैसे हुई, सिल्क जो है उसकी खोज कैसे की गई, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, कि हम जो इसका एग्जैक्ट टाइम है ना डिस्कवरी का सिल्क के, वो हमें नहीं पता, वो हमारे लिए अननोन है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लिगेंड, कि कुछ चाइनीज लिगेंड के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, द एम्प्रेस एस, इनका नाम था सी लंग चाई, और सी लंग सी देख लेना ये आपके प्रोनाउंसिएशन में क्या है, ये नाम आपको एक बार चेक कर लेना होगा गूगल से, क्योंकि ये ना बॉक्स में जो होता है ना ये एक्स्ट्रा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल्स में या टीचर्स ना इनको नहीं कराते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन वो कराते ही नहीं, ये बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है वो। तो ये मेरे को भी ये वर्ड अभी पता नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाएगी, साई लंग ची कहा जाएगा या सी लंग ची कहा जाएगा, तो ये इनका नाम है, ठीक है, ये आपके जो है ना ओल्ड चाइनीज लिगेंड थे, तो चाइनीज ही नाम ही होगा ना, इसलिए हमें इसका, मेरे को नहीं पता है, आप देख लेना। वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर जो है हुआंग टी, और ये भी इनका नाम है, एक
to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. तो ये जो लिगेंड थे ना चाइनीज, इन्होंने जो है इन एम्परर से हुआंग टी से पूछा था कि जो उनके गार्डन में, उनके बगीचे में जो मलबेरी के पौधे लगे हुए हैं उनके पत्तों के साथ ऐसा क्या हो गया, वो डैमेज क्यों हो गए हैं. द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स. तो उन्होंने क्या देखा था, इन्होंने हुआंग टी ने देखा कि जो ये आपके वॉर्म्स हैं उनके उन पत्तों के ऊपर वॉर्म्स थे, उन पत्तों के ऊपर कीड़े थे, मलबेरी लीव्स के ऊपर कीड़े थे. She also noticed that ये लड़की है भाई, ये लड़की थी. तो she also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. उन्होंने ये भी देखा, इन्होंने हुआंग टी ने ये भी देखा कि वो उनको खा तो रहे हैं, मलबरी के पौधों पत्तों को खा तो रहे हैं, शहतूत के पत्तों को खा तो रहे हैं, लेकिन उसके पास ही वो स्पिनिंग करके, स्पिन करके क्या है शाइनी कुकून भी बना रहे हैं. एक्सीडेंटली कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी. और एक्सीडेंटली क्या हुआ है, एकदम से एक कुकून जो है उनकी चाय की, चाय के कप में गिर गया, एक चाय की प्याली में उनका एक कुकून गिर जाता है. एंड इट टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून. और फिर वो देखती है कि एक जो है थ्रेड लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे सेपरेट हो जाता है, एक डेलिकेट एक लचीला सा थ्रेड जो है वहाँ पे सेपरेट हो जाता है उसकी चाय की प्याले में. सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड वॉज किप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. और जो सिल्क की जो इंडस्ट्री है चाइना के अंदर, उन्होंने ये जो है आराम से छुपाते हुए जो ये है सिल्क का व्यापार किया, ठीक है, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों ईयर्स तक उन्होंने इसके सीक्रेट को दबा के रखा, नहीं बताया गया दुनिया को कि सिल्क कैसे बनता है. लेटर ऑन बाद में ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज़. उसके बाद जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो ट्रैवलर्स होते हैं जो चाइना आते जाते रहे होंगे या जिन्होंने वहाँ से इसको रेशे को ख़रीदा है, सिल्क को ख़रीदा है, बेचा है, उन्होंने इस चीज़ को सिल्क के, सिल्क से इंट्रोड्यूस कराया पूरे दुनिया भर को, ठीक है, और अदर कंट्रीज़ को उसको उससे इंट्रोड्यूस इन लोगों ने कराया जो ट्रैवलर्स थे या जो ट्रेडर्स थे. चाइना ने तो पूरी कोशिश की थी कि किसी को ना पता लगे कि सिल्क कैसे बना, ठीक है. तो इसीलिए कहा जाता है कि चाइना जो है नंबर वन पर है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात की जाए कि सिल्क के व्यापार के उसमें, ठीक है, तो चाइना नंबर वन पर है, उसके बाद और कंट्रीज़ आती हैं. इसका रीज़न यही था क्योंकि बहुत सालों तक चाइना ने सिल्क के बनने की जो विधि है उसको छुपाए रखा था. द रूट दे ट्रैवल्ड इज़ स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट. और यहाँ तक कि जो चाइना वाले जो लोग हैं वो अगर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं तो उस रूट को आज भी सिल्क रूट कहा जाता है, क्योंकि जहाँ से सिल्क को आए ले जाया या लाया जाता था, भेजा जाता था, वहाँ उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है इंडिया में. द लार्वा आर किप्ट इन क्लीन बैम्बू. जो लार्वा होते हैं इसको कहाँ रखा जाता है, एक क्लीन बैम्बू के अंदर रखा जाता है, ट्रेज अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. जहाँ पर अगर आर्टिफिशियली बात की जाए तो सिल्क कैसे बनाया जाता है, तो क्या किया जाता है, बैम्बू के ट्री के अंदर एक क्लीन साफ़ सुथरी बैम्बू की जो ट्रे ली जाती है उसके अंदर फ्रेशली बिल्कुल ताजे चॉप्ड कसे हुए या तोड़े हुए या चॉप्ड जो होते हैं आपके मलबरी की लीव्स रखी जाती हैं. आफ्टर 25 to 30 days, 25 से 30 दिनों के बाद देखा जाता है कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून. तो देखा जाता है कि 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर जो है ना उसको खाना बंद कर देते हैं मलबरी लीव्स को, और वो बैम्बू के अंदर एक चैम्बर में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर के कुकून को स्पिन करते हैं, कुकून बनाते हैं. स्मॉल रैक्स और ट्विक्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकून गेट अटैच्ड. और इस ट्रे के अंदर जो बैम्बू की ट्रे होती हैं इसके अंदर छोटे छोटे रैक्स भी बनाए जा सकते हैं या फिर ट्विक्स भी, टहनियाँ भी लगाई जा सकती हैं ताकि जो कुकून है वो काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पर अटैच हो सके. द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कुकून इन साइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ. और यहाँ पर जो कैटरपिलर होता है या जो सिल्क वॉर्म होता है ये यहाँ पर कुकून को स्पिन कर लेता है, बैम्बू की ट्रे के अंदर कुकून को स्पिन कर लेता है जो कि बाद में जाकर के सिल्क मोथ बन जाता है. तो ये लाइफ हिस्ट्री है अगर नेचुरल कंडीशंस में देखा जाए तो कैसे बनता है सिल्क, और अगर आर्टिफिशियली देखा जाए, अगर आर्टिफिशियली मैन मेड अगर ये हो जो हमारे सिंथेटिक सिल्क होता है वो कैसे बनाया जाता है, तो उसकी विधि भी आपको यहाँ पर बता दी गई है कि 25 से 30 दिनों तक
वो कैटरपिलर को एक बैम्बू की ट्रे में कुछ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स देते हैं और 25-30 दिन जब वो उनको खा लेते हैं आपके सिल्क वर्म, तो उसके बाद वो क्या करते हैं बैम्बू की किसी चैम्बर में चले जाते हैं, बैम्बू में कोई जगह बना लेते हैं और वहाँ पर जाके कोकून को स्पिन करते हैं। और अगर हम आर्टिफिशियली सिल्क बना रहे हैं तो हमें वहाँ पर कुछ ट्विक्स या फिर रेक्स बना देने होते हैं ताकि वो जो आपका कोकून है वो उससे चिपक जाए और फिर हमें आसानी से सिल्क वहाँ से प्राप्त हो जाए और उस तरह से आपका जो सिल्क मोथ भी बन जाता है कोकून के अंदर, तो सिल्क मोथ भी मिल जाता है और सिल्क भी फाइबर भी मिल जाता है। प्रोसेसिंग सिल्क जो है, अगर सिल्क हमें वहाँ से मिल जाता है तो उसको आगे प्रोसेस कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी तो हमें कुकून से लिया है ना, उसको फाइबर लिया है। ए पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, सो काफ़ी ज़्यादा कुकून्स को यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर को लेने के लिए। द कुकून्स आर किप्ट अंडर द सन और बॉयल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो आपको कुकून को क्या करना होता है, या तो आपको सन में रखना होता है यानी कि धूप में रखना होता है, या फिर बॉयल करना पड़ता है उसको, या फिर स्टीम जो भाप होती है उसके कॉन्टेक्ट में उसको लाना होता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और इससे क्या होता है कि जो सिल्क का जो फाइबर होता है यानी कि अगर टेम्परेचर आप उसका बढ़ा देते हो तो सिल्क फाइबर जो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो सेपरेट आउट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड द रीलिंग द सिल्क। और जो ये प्रोसेस होती है ना जिसमें आप सिल्क के थ्रेड को कुकून से अलग कर रहे होते हो ताकि वो सिल्क बन सके, या सिल्क के रूप में आप कुकून से सिल्क के थ्रेड को अलग कर रहे होते हो, तो यही प्रोसेस आपके रीलिंग द सिल्क कही जाती है, यानी कि आप सिल्क को यहाँ पर रील कर रहे होते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, और ये जो ये प्रोसेस होती है ना ये आपकी कुछ स्पेशल मशीन्स में ही यंत्रों में की जाती है की हाल से की जाते हैं। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, जो जिनका काम क्या होता है अनविंड कर देते हैं वो थ्रेड्स को, फाइबर्स और या फिर जो सिल्क के जो फाइबर होते हैं उनको कुकून से अलग कर देते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, और इस तरह से जो सिल्क फाइबर होते हैं उनको जो है बुन लिया जाता है सिल्क थ्रेड्स के रूप में, यानी कि सिल्क के थ्रेड उस सिल्क फाइबर से सिल्क के थ्रेड बना लिए जाते हैं। विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और उसके बाद जो है वो आपके सिल्क क्लॉथ उनसे बना लिए जाते हैं, यानी कि सिल्क फाइबर से पहले आप सिल्क थ्रेड्स बनाते हैं और सिल्क थ्रेड से फिर आप सिल्क के कपड़े बना लेते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन टुडे, एंड इन आवर होप यू लाइक द सेशन, एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक, आई थिंक फर्दर chapter, that is chapter number 4 from class 7 NCERT book. So if you like my session, then please do like, comment and my videos with your friend, and also subscribe my channel by pressing the bell icon given below. Please friends, don't forget to hit the bell icon so that you will be notified whenever I would upload any new video on my channel. Thank you so much, thanks for watching, thank you.